एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का भाई व्लॉग भाई इतना अच्छा बनेगा भाई, किसी ने भाई सोची नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं अभी भी भाई उठा हूँ और भाई बिल्कुल मुंह नहीं धोया है भाई। सीधा भाई बैलून लेकर आ चुका हूँ और ये भाई लेकर आ चुका हूँ भाई। बैलून अभी फुलाने हैं पानी के साथ, तो इनको फुला के आज हमने भाई होली सेलिब्रेट करनी है। सबसे पहले भाई सभी को हैप्पी होली जी हाँ गाइस। भाई जब बैलून फुलाओ ना एक ही पॉपर मिलता भाई, कहीं फटे होते हैं। आप देख ही सकते हो भाई कितने ज्यादा बैलून है, बट भाई पता है आपको एक डिसएडवांटेज क्या रहा भाई? एक एडवांटेज रहा, डिसएडवांटेज ये रहा कि भाई ये भाई सारे आधे बैलून फटे हुए हैं, आधे भाई फुलाते वक्त ही फट गए भाई। कम से कम भी भाई एक पैकेट में 100 बैलून होते हैं और भाई देखो इतने है, बट भाई ठीक ठाक है क्योंकि भाई आज का कंटेंट ही वैसा है बैलून वाला बहुत ज्यादा है भाई। मैं ना अभी निकल गया भाई बैलून लेके सुबह सुबह 8 बजे, सुबह सुबह 9 बजे भाई। बेसिकली मैं रंग लेने जाना है और भाई और भी होली का सामान लेने जाना है, तो मैं सोचती 2 बैलून ले लेता हूँ एंड जो भाई रस्ते में दिखा उसको मार लेता हूँ। सो फिलहाल भाई जा रहा हूँ भाई मैं कलर्स एंड पिचकारी और साथ में भाई कुछ और भी सामान लेने के लिए। आज का भाई कंटेंट ना मेरा खत जबरदस्त होगा। सो यहाँ पे जस्ट अभी भाई होली का सामान ले लिया है गाइस। देखो यार हमारे मन लेके जाता हमें भाई भर गए। देखो भाई अपनी भरना उसका बोलेगा मारेगा भाई तेरे को वो मेरा मुंह देख रहे हो आप? मेरे को भी भरने आना इसको भाई आगे भाई एक पूरा भर दिया, पाउडर लगा दिया मेरे को अंदर से एलर्जी है भाई इससे। इधर सामने है भाई हम एक काम के लिए जाएंगे उधर आगे, चला आगे चलो चलो चलते हैं। हाँ चल 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 यार सुगाई साहब देख सकते हैं या भी तो ये देख सकते हैं इस टाइम अभी यहाँ से ग्रीस निकाल रहे हैं, हमें नहीं लगाना छोड़ो 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 इसको लगाओ या नहीं लगाओ? मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना यार इसकी हालत ही वैसी है आज की। भाई ये कैसा मुंह हो गया, मैंने अभी फ्रंट कैमरा में देखा मुंह देखो भाई कितना काला हो गया। फिलहाल गाइस बहुत ज्यादा होली खेली तो थोड़ी देर में भाई अभी चलते हैं भाई सीधा घर की ओर। जी हां गाइस देखो भाई हालत क्या हुआ इसको देखो भाई इसने भाई बहुत कम बोल किया भाई कलर लगाया भाई मेरे देखो कानों के अंदर अंदर तक भी किया। फाइनली भाई घर पे जा रहा हूँ एंड भाई बहुत ज़्यादा भाई हद से ज़्यादा होली खेल दी भाई, चलते भाई अपने घर की ओर। सो गाइस अभी जस्ट भाई घर पे आए हैं, भाई को देखो भाई अपने अलग कर रहा है, अभी आते हैं बाबा जी आगे। गाइस अभी भाई मारेगा, देखते हैं भाई कि क्या भाई क्या इसके अंदर विशेषता है इस पिचकारी के अंदर। बोल सो गाइस आज है भाई होली और भाई हमें देख सकते हो भाई पूरे गिले हुए हैं, रंग से लथपथ हुए हैं। जी हां गाइस मैंने यहां पे भाई लिया है, भाई के बाल देखो भाई चेक करो भाई मेरे भी चेक करो गाइस देखो भाई कैसे हो चुके हैं भाई बाल, ये देखो भाई सामने से देखो। एंड अभी फिलहाल भाई हम भाई जाएंगे भाई सीधा नहाने के लिए क्योंकि भाई बहुत ज्यादा होली खेलेंगे सुबह के 9 बजे से लेकर भी भाई 12 बजने वाले तब तक खेली बिकॉज भाई इतनी ज्यादा नहीं खेलनी है। वैसे भी भाई पेपर आ रहे हैं और भाई हम बीमार हो गए तो भाई फिर कोई
फिलहाल भाई घर पे तो आ चुके हैं एंड भाई हमने ऊपर भी भाई बोझ आ गया, तो भाई चलते हैं भाई सीधा नहाने के लिए। जी हां गाइस, एंड देखो भाई कपड़ों की हालत है, बाल देखो भाई कितने सही, गाइस देख लो भाई कितनी ठंड लग रही है आज। गाइस यार एक प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, ना मेरा मुंह पे ना भाई ग्रीस लगाई थी भाई कुछ बच्चों ने, एंड भाई वो भाई मिट रही नहीं है भाई, मुंह देखो भाई कितना काला हो गया भाई, कितना मैंने भाई कितना धोया भाई लेकिन रंग भी नहीं निकल रहा भाई, तीन दिन तो भाई पक्का रंग था। तेरा भाई साफ हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। प्रॉब्लम देखो मैंने ऐसे तो वीडियो में इतना दिख रहा कि भाई मेरा मुंह काला है, बाकी भाई रियलिटी में भाई बहुत ज्यादा काला लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे मम्मा और पापा जी एक दूसरे को रंग लगाते हुए, हमें तो भाई पहले का ही लगा दी है। हैप्पी होली गाइस, सभी को होली की शुभकामनाएं। हाँ भाई एक चीज है भाई, मुंह से भाई सारा रंग निकल गया भाई, मैंने अच्छे से ऐसे ऐसे रगड़ा भाई और भाई फिर जाके भाई साफ हो गया। बाकी मम्मा जी ने भाभी से भाई रंग लगा रही है सिर पे, भाई मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ ऐसे अच्छा दिखने के लिए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस यार एक प्रॉब्लम हो गई है भाई, कान के अंदर ना रंग चले गया और भाई कान के अंदर भाई बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा इस कान से। है गोभी लेकिन हम उसको भाई थोड़ा जला के खाएंगे। चलिए भाई अभी हम अपना भाई लंच शुरू करते हैं। लंच हुआ भाई, क्यों भाई ब्रेकफास्ट, लंच नहीं ब्रेकफास्ट ही हुआ, तो बैठ के खाते हैं भाई, फिर उसके बाद भाई गली के बाहर जाके दिखाते हैं आपको भाई कि क्या माहौल रहा है। ओ गाइस ये देखो भाई रंग निकल रहा है, गाइस यार कॉर्नर से देखो भाई बहुत ज्यादा रंग निकल रहा है, गली का ये डिसएडवांटेज है। बहुत अच्छी चीज है इधर से घूम कर, अब इसको गीला करेंगे। भाई क्या है ओए देख रहा है गाइस, थोड़ी देर पहले भाई मैं भाई नहाया। जी हाँ गाइस भाई मैंने ना भाई इतने मोटे कपड़े लगा लिए बिकॉज भाई ठंड लग रही, थोड़ी देर बाद इतनी गर्मी का एहसास हुआ। भाई माता जी ये क्या कर रही हो आप? कर रही हूँ कपड़े धो रही हूँ जो सुबह के गंदे किए हैं। क्या 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 सुबह के गंदे नहीं किए हैं कपड़े? हाँ सो अभी भाई मम्मा जी वो कपड़े धो रहे हैं, वही कलर वाले। कितना रंग निकला ओ भाई साहब, गाइस यार देखो गाइस हमारे नीचे साहब जी भाई ये भी होली भाई सेलिब्रेट करे जा रहे हैं, करे आ रहे हैं, करे आ रहे हैं। मैं कहा भैया बाहर आ रहे हैं गाइस, मिठू आज का है गाइस। गाइस पूरी रोज में मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और गाइस आपको एक चीज दिखा भाई, हमारी पूरी गई ना भाई रंगों से भाई लथपथ हुई है, देखना चाहती हो? पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरू होती है भाई यहां से, आगे चलते हैं भाई तितली का वर्गा। सुबह हम आगे जाएंगे, यहाँ पे आगे चलते हैं, हमें हमारे गली में यहाँ पे कुत्ता मिलेगा तो उसको भी टिक्का लगा दिया है। देखो इधर से बैलून्स मिलेंगे आपको कुछ कुछ, एंड यहाँ पे देखो ये देखो इधर 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 इधर, अब तो भाई पूरी गली पिंक पिंक है, ये देखो पिंकी पिंकी पिंक। यहाँ पे देख सकते हो दादी जी मीठे चावल खाते हुए, दादी हेलो कर दो। यहाँ पे गाइस हमारा आ चुका है भाई लंच, तो भैया लंच करते हैं एंड भाई थोड़ी देर में भाई ट्यूशन जाने वाले हैं, तो भैया फिर ट्यूशन से आके मिलेंगे आपसे। तो भाई थोड़ी देर पहले भाई ट्यूशन गया था और भाई ट्यूशन से होकर आ चुका हूँ, भाई थोड़ी सी जल्दी छुट्टी होगी, 5 बजने वाले हैं तो 5 बजे से पहले छुट्टी होगी। बाकी धूप देखो भाई कड़कती पड़ रही है,
एंड बाहर का माहौल आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। देखो भाई सुजेस्टी फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ भाई कहाँ पे भाई हम जा रहे हैं भाई पार्क में हम नहीं मैं ही जा रहा हूँ कितना चीज पार्क में एंड मम्मा को भाई बोल दिया है मैंने तो चुपते हैं भाई थोड़ी देर पार्क पे भाई बैठेंगे लेट्स गो गाइस चुपते हैं। लो भाई एंट्रेंस आ चुकी है दम लगता है भाई बेसिकली जिम टाइप ही है ये भाई आगे ना इसको आगे खींचना है ये आगे भाई इसको ऊपर खींचना है लेकिन भाई ये यूजलेस चीज है क्योंकि भाई ये देखो दो दिमाग करती है ये बला कहाँ से आ गई ओए तू कहाँ से आ गया मम्मा आई है कहाँ है भाई जी पता नहीं कहाँ से आ तो भाई एक ही वाला भी झूला है उसको ऐसे कर लो धूप सीधी आ एंड गाइस एक ही वाला भी झूला है भाई इसके साथ भाई मेरा बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशन है क्योंकि भाई मैं भी पहले भाई इसके साथ ही खेलता था उधर ध्यान से लेना मैंने सेटअप दिया ऊपर फोन फोन उल्टा चढ़ रहा हूँ लेकिन आगे भाई शिव शंकर जी की मूर्ति जय शिव शंकर भाई पीपल का पेड़ देख सकते हो आप दादी और मम्मा जी ना यहाँ से भाई एक साग चुन रहे हैं भाई बिकॉज गाइस ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है कसम से क्या बताऊँ आपको मम्मा क्या बोलते हैं इसको हमारी डोगरी लैंग्वेज में गाइस 3D बोलते हैं इसको हमारे डोगरी लैंग्वेज में बिकॉज भाई हम हैं जम्मू कश्मीर के तो जम्मू की शान आन बान शान है डोगरी जी हाँ गाइस 3D का साग और भाई जो टोडा होता है ना टोडे ऊपर साग भाई जो टोडा होता है ना भाई वो बहुत ज़्यादा भाई टेस्टी होता है फिलहाल ना भाई मैं आया था भाई थोड़ी देर पहले भाई पार्क और भाई मुझे ना भाई कुछ भैया दिखे गाइस ये सारे भैया भाई मेरी वीडियोस देखते हैं भैया कैसे लगते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगती है। एंड गाइस एक चीज और मम्मा जी ने भाई वो ही टोडा और साथ में साग बनाया जो भाई साग मम्मा पार्क अभी चुनने के लिए गए थे थोड़ी देर पहले एंड भाई आज मैं खाऊंगा टोडा और साग डोगरों की सबसे ज्यादा टेस्टी चीज है ना मम्मा है तो अभी यहाँ पे भाई डोडा बन रहा है आपको मैं पूरी रेसिपी बताऊँ चलो मम्मा जी बताते हैं रेसिपी मम्मा जी बताओ अच्छे से बताओ बोलो कैसे इसमें मक्की का आटा गलता है उसमें ऐसे ऐसे करना है फिर हमें इसको अच्छे से गूंथ के फिर इसको ऐसे ऐसे गए जो प्रोसेस मम्मा बोल रहे हैं वैसे ही करना है कि अगर हम ऐसे ऐसे जोर जोर से फुल्कू की तरह करेंगे पहले मुझे आता नहीं था ऐसे ऐसे करना फिर हम सीख लिया देखो गाइस इसकी भाई कितना मोटा होता है बहुत ज्यादा थिक होता है ये एंड भाई ये ना मक्की की रोटी का होता है और भाई ये बहुत ज्यादा भाई ऑर्गेनिक होता है ना मम्मा चपाती से गाइस काफी ज्यादा ऑर्गेनिक होता है भाई जो हमारे गाँव के बंदे होते हैं जो हमारे ऐसे बुजुर्ग आदमी होते हैं भाई वो सबसे ज्यादा ये खाते हैं तो ही भाई वो इतने स्ट्रांग रहते हैं जी हाँ गाइस तो आप भी भाई खाया करो मक्की की रोटी बोलते हैं टोडे का साग हाँ टोडा मक्की की रोटी और सरसों का साग हाँ ये तो सरसों का साग हम सरसों का नहीं ये सरीडी का साग सरीडी हाँ यार क्या गाइस आपको ये दिखाता हूँ मैं गाइस इस साग को देखो भाई कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है भाई कसम से अभी खाएंगे और आपको दिखाएंगे सो ये मक्की की रोटी भाई हमारे जम्मू कश्मीर ही नहीं और भी बाहर भी होती है ना मम्मा ज़्यादा टेस्टी लग रहा होगा मुझे तो भाई हद से ज़्यादा लग रहा है अभी ये जिससे एक बार लिया अभी ये लिया भाई साग भाई कसम से भाई स्वाद ला भाई चुम्बेश्वर भाई चुम्बेश्वर गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी था भाई क्या बोल रहा है आपको भाई मैं पहली बार खा रहा हूँ
ऐसे में डोडो थोड़ा थोड़ा टेस्टी होता है, लेकिन साग के साथ भाई जो टेस्टी कॉम्बिनेशन था ना भाई, क्या लगा आपको? फिलहाल भाई हमने भाई डिनर खत्म करना और इस ब्लॉग को भाई मैं ये भी करता हूँ एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। तब के लिए बाय बाय।